एवरीवन वेलकम बैक इन एग्री अपडेट। दोस्त आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं BHU MSc AG के ऑफिशियल्स 21 की कट ऑफ के बारे में। गैज अभी तक कट ऑफ किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं भी पब्लिक नहीं किया गया है, बट आपके मन में क्वेश्चन आया कि मुझे कैसे मिला। सो यार मुझे मिल गया, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हियर, सो मिल गया किसी भी तरीके से। और आज मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ BHU MSc AG 2021 की ऑफिशियल्स कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे मैं आपके मार्क्स वाइज कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस मार्क्स के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, आगे आपको BSc AG और तमाम कोर्सेज की ऑफिशियल्स कट ऑफ सबसे पहले मिलेंगी। तो गाइस अभी तक कट ऑफ कहीं भी पब्लिक नहीं हुआ है। आई नो कि आप लोग बहुत सारे लोग फेक भी मान सकते हैं ना, बट ऐसा कुछ नहीं, ऑफिशियल्स कट ऑफ है हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा ही, BHU के ही, उनके द्वारा शेयर किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे PC कैटेगरी की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैटेगरी मेंशन किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सीट्स मेंशन की गई है, उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स मेंशन किया गया, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स मेंशन किया, उसके बाद कितने कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए इन्वाइट किया गया वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ये अभी बात करें MSc एग्रीकल्चर की, तो सबसे पहले बात करते हैं PC कैटेगरी। जितने भी फिजिकली चैलेंजिंग कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए टोटल 8 सीटें हैं। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपकी रिजर्वेशन है PC कैटेगरी यानी फिजिकली चैलेंज्ड के लिए, ठीक है, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितने हाईएस्ट मार्क्स है, और टोटल जिनकी कट ऑफ बनी है वो 20 मार्क्स, ठीक है, ओवरऑल 20 मार्क्स की कट ऑफ बनी, और 68 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपके सीट्स हैं 8। अब आप लोग समझ सकते हो 8 सीट के लिए PC कैटेगरी में 68 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है। गैज मेन बात करते हैं हम जनरल OBC की, तो जनरल में टोटल जो सीट्स है वो 48 ओवरऑल कोर्सेज की BHU में MSc एग्री में तमाम जितने कोर्सेज हैं उनकी टोटल सीट्स है जनरल कैटेगरी की 48। इसकी जो हाईएस्ट मार्क्स है 359 है, और जो कट ऑफ बनी है वो 258, यानी कि जनरल कैटेगरी में जिनके भी मार्क्स 258 के प्लस में हैं वो सभी लोग BHU MSc AG के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो टोटल 390 कैंडिडेट हैं 258 मार्क्स के ऊपर, जिनको 48 सीट्स के लिए इन्वाइट किया गया काउंसलिंग में। अगेन बात करते हैं OBC कैटेगरी में 31 सीट है, जिसकी हाईएस्ट मार्क्स गई है 337, यानी OBC कैटेगरी में BHU MSc में 337 मार्क्स हाईएस्ट है, और कट ऑफ है आपके 248, और इनवाइट किया गया काउंसलिंग को 256, जिसमें 166 जनरल कैंडिडेट्स भी इंक्लूड हैं। अगेन बात करते हैं SC कैटेगरी की, टोटल सीट 17, और इनकी जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 313, कट ऑफ है 197, और 139 कैंडिडेट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं काउंसलिंग के लिए। ओके अगेन बात करते हैं ST कैटेगरी में, तो गाइस ST कैटेगरी जो टोटल सीट है BHU MSc AG वो है 9, और इनकी हाईएस्ट मार्क्स गई है 297, और कट ऑफ इनका 194, और काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है 72 कैंडिडेट। अगेन 72 कैंडिडेट्स 9 सीट्स ST कैटेगरी में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ओके अगेन बात करते हैं EWS कैटेगरी में, टोटल जो BHU MSc AG की सीट है 12 सीटों के लिए 243 नंबर कट ऑफ बना है आपका, 100 बच्चे इन्वाइट किए गए हैं, जिसमें 57 इंक्लूड है जनरल कैटेगरी की, इनकी हाईएस्ट मार्क्स है 342। अगेन बात करते हैं BHU जनरल OBC SC ST की, आई थिंक आपको ये मे बी ना समझ में आए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो बच्चे BHU से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, जिनका BHU से BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ है, उनकी अलग से कट ऑफ लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और उनकी सीट्स भी अलग से होती है। आप लोग को पता होगा जनरल पे, यहाँ पे जनरल, ये जो BHU जनरल कैंडिडेट हैं ये सारे लोग इस जनरल कैटेगरी में भी एलिजिबल हैं, प्लस इनके लिए अलग से रिजर्वेशन रखा गया है, यानी कि जिनके भी BHU से ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उनका BHU के MSc AG में एडमिशन आसान हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। अगेन बात करते हैं इनकी जो कट ऑफ लिस्ट है, सॉरी इनकी जो कट ऑफ बनी है वो है 150 मार्क्स, ठीक है, 16 सीटें हैं, 334 हाईएस्ट मार्क्स रही है, 150 कट ऑफ बनी है, 128 बच्चों को इनवाइट किया गया है। ओके BHU OBC में टोटल 11 सीटें हैं, 314 हाईएस्ट मार्क्स है, और 110 मार्क्स वाले बच्चे को भी काउंसलिंग में 110 मार्क्स से काफ़ी कट ऑफ प्रिपेयर की गई है। गाइस BHU SC कैटेगरी के सीट्स है 6, 246 हाईएस्ट मार्क्स गया है, 73 कट ऑफ बना है, 29 बच्चों को काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया गया है BHU SC कैटेगरी में। वहीं BHU ST कैटेगरी में टोटल सीट है 3, हाईएस्ट मार्क्स है 248, और जो कट ऑफ बनी है वो 69। अगेन यहाँ पे इंक्लूड किया गया 14 बच्चों को इन्वाइट किया गया है, ठीक है, 14 बच्चे हैं और 3 सीटें हैं। सेम थिंग है BHU EWS के लिए, 4 सीटें हैं, हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे शो नहीं किया गया है, और यहाँ पे उनकी कट ऑफ भी प्रिपेयर नहीं की गई है, मे बी वहाँ पे EWS कोई भी कैंडिडेट ना रहा हो, ठीक है। गाइस बात करते हैं BHU एम्प्लॉई वार्ड की, तो BHU एम्प्लॉई वार्ड में टोटल सीट है 23, और जिनकी हाईएस्ट मार्क्स है 265, और जिनकी कट ऑफ है 29, ठीक है, 29 के ऊपर जो भी BHU एम्प्लॉई वार्ड में MSc AG में है उन सभी का एडमिशन आई थिंक हो ही जाएगा, क्योंकि 33 बच्चे ही हैं और 23 सीट है, ठीक है, तो 33 बच्चे इन्वाइट किए गए हैं और 23 सीटें हैं, 10 का नहीं होगा बट
23 का हो जाएगा। ओके गैस, पेड सीट की बात करें तो पेड सीट भी 23 से, और इसकी कट ऑफ अभी तक मेंशन नहीं की है। पेड सीट की कट ऑफ आपको काउंसलिंग के बाद ही डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो पेड सीट की कट ऑफ हमेशा जितनी भी यहाँ पे कट ऑफ मेंशन की गई इन सभी के ऊपर ही होता है, यानी कि अपवर्ड में ही होता है। तो गैस आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कितने रैंक तक, सॉरी कितने मार्क्स तक के बच्चों को काउंसलिंग में इन्वाइट किया जाना है, और आपको इससे एक और आइडिया मिल गया होगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो BHU काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर BHU इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस किसी भी चीज़ों से रिलेटेड यार, सो आई ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम हियर, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ भी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज।